हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के बज रहे हैं 6 और हम लोग निकल चुके हैं घर से। आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक का माइलेज टेस्ट करने के लिए। तो आज बताऊंगा मैं आपको कि Z900 का क्या एवरेज आ रहा है, क्या माइलेज आ रहा है। अभी जो ये मीटर में दिखा रही है वो ये दिखा रही है 14.8 का। पूरा क्लियर हो जाएगा कि Z900 2023 कितना एवरेज देती है, आपकी जेब पे कितना भारी पड़ने वाली है। ये साथ ही मेरी बाइक में लगा है एरो का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, तो इससे भी थोड़ा माइलेज ड्रॉप आता है। अगर आप स्टॉक बाइक का माइलेज देखोगे तो स्टॉक बाइक का माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा इससे। बाकी चलते हैं और चेक करवाते हैं अभी। वैसे तो मेरी बाइक का टैंक फुल है, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर ही चला है, लेकिन मैं फिर भी एक बार दोबारा टॉप अप करवा के चेक करूँगा एवरेज। पहुंच चुके हम पेट्रोल पंप। कैसे अंकल जी? बढ़िया। तो यार फुल करवाते हैं टैंक इसका। कितना करूं? टैंक फुल कर दो अंकल। पावर पावर थोड़ा सा ही आएगा, माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ ना अभी इसका। फुल ही है वैसे तो, अभी थोड़ी देर में आऊँगा। फिर शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। बढ़िया है। और क्या भाई, इतना ही कर देना, 75 ही कर दो इसे, 80 का बस। सत्रह लीटर का हाँ, एवरेज बहुत कम है ना, लेकिन 8-10 का एवरेज। खून पीने वाली गाड़ी हो रही। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद, आता हूँ अभी थोड़ी देर में। फिल फुल कराना है, माइलेज चेक कर रहा था ना। पहले दूसरी गाड़ी क्या, दूसरी ले ली? हाँ वो भेज दी मैंने दोनों। ये कितने की थी? ये 12 लाख की पड़ी, मतलब वैसे 10.5 की है, लेकिन एग्जॉस्ट वगैरह सामान लगा के सारा 12 लाख की पड़ती है। चलो ठीक है। गाइस मैंने टैंक फुल करवा लिया है अपना, और यहाँ पर मैं इसके ट्रिप ज़ीरो कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये ट्रिप ए है, ये ट्रिप ज़ीरो हो चुकी है, ये ट्रिप बी है, ये भी मैंने ज़ीरो कर दिया। आप ओडो भी देख सकते हो, 1551 चली है मेरी बाइक अभी। देखते हैं, एक छोटा सा स्पिन लेके आते हैं यहाँ से, उसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे कि एवरेज दे कितना रही है हमारी बाइक। एंड आज का जो इसका माइलेज टेस्ट होने वाला है ना, वो कंबाइंड होने वाला है। मतलब मैं इसे तेज़ भी चलाऊंगा, मैं इसे धीरे भी चलाऊंगा, मैं इसे मिक्स चलाऊंगा, जैसे कि डेली एवरेज राइड होती है। कहीं पे आप खाली स्ट्रेच मिलता है तो तेज़ चला लेते हो, कहीं पे धीरे चला लेते हो, तो मैं इसे मिक्स तरीके से ही चलाऊँगा। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको एवरेज बताने वाला हूँ। बाकी एवरेज इसमें जो दिखा रहा है वो 14.6 14.7 ये फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इतना दे रही है। मेरे हिसाब से तो ये 11-12 के ऊपर नहीं दे रही है एवरेज, मैक्स टू मैक्स 12 दे रही है मेरे को, वरना तो ये 10 के आसपास ही एवरेज देती है मुझे, क्योंकि इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगने की वजह से इसका जो एवरेज है वो थोड़ा 2-3 से पॉइंट से कम हो चुका है ऑलरेडी। बाकी देखते हैं यार कितना दे रही है। देखो इन सुपर बाइक्स में वैसे एवरेज देखा तो नहीं जाता है, मतलब यार जो इन्हें ले रहा है वो ऑब्वियसली एवरेज तो देखेगा नहीं इसका चलाने के लिए, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है मन में कि आपकी बाइक कितना एवरेज दे रही है। अगर आप इतने किलोमीटर लंबा जा रहे हो तो आप कुछ प्लानिंग करके चलते हो कि इतना फ्यूल कॉस्टिंग आएगी ये वो, तो उस चीज़ के लिए ये वीडियो है, इन्फॉर्मेशनल वीडियो कि आपकी Z900 2023 माइलेज कितना देती है। मैं इसका एवरेज टैंक टू टैंक मेथड से नापने वाला हूँ, जिसमें मैं इसे लगभग 20-30 किलोमीटर चलाऊंगा और उसके बाद दोबारा मैं इसका टैंक फुल कराऊंगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इसने एवरेज दिया कितना है मेरे को।
आपको पूरे 20-30 किलोमीटर की क्लिप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं आपको पार्ट्स में कट कट करके दिखाता रहूँगा और फिर आपको सीधे पेट्रोल पंप पे दिखाऊंगा कि इसमें कितना पेट्रोल लगा है। दोबारा उसी पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और वहीं पर टैंक फुल करवा रहे हैं दोबारा से। आपको दिखाता हूँ वहीं चल के अब कि कितने का बैठा है फ्यूल अपना। बाकी यार जो इस एग्जॉस्ट की साउंड है ना फुल सिस्टम की, भाई इसमें जो रिएक्शंस मिलते हैं लोगों के, मतलब बिल्कुल अल्टीमेट। ऐसा लगता है कि एक एक पैसा वसूल हो चुका है पूरा इस बाइक को लेके। गाइस मैं पेट्रोल पंप पहुंच गया हूं वापस। ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर चली है मेरी बाइक। ये रहा अपना पेट्रोल पंप। ऐसा मत करो यार। कितनी देर में होएगी सही? अरे अभी भराना है, रुक जाता हूँ मैं। तो यार अपनी किस्मत देखो यार, वोल्टेज के चक्कर में मशीन ही बंद हो गई भयंकर। मशीन बंद हो गई। गाइस यहाँ तो वेट करके देख लिया, यहाँ पे नहीं चल रही है मशीन अभी। कोई बात नहीं, आगे वाले पेट्रोल पंप से भरवा लेते हैं। आगे वाले पेट्रोल पंप से भरवा के देख लेते हैं। नेक्स्ट पेट्रोल पंप, आई होप कि ये वाली मशीन चल रही हो। यहाँ तो मशीन चल रही है तो यहाँ अपना पेट्रोल भर जाएगा। तो अपनी बाइक चल चुकी है अभी 33.1 किलोमीटर और इस हिसाब से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं जितना भी फ्यूल आता है इसमें। फुल कर देना भैया। सर एक्सपी एक्सपी बस 150 ही कर दो, इसे 60 ही कर दो, तो बस। तो अपनी बाइक में है 1.57 लीटर पेट्रोल 160 रुपीस का। कितने सीसी की भैया ये? 900 सीसी की। हाँ जी ये लो। तो मैं बताता हूँ, इसमें पेट्रोल आया है 1.57 लीटर्स और ये चली है 33.1 किलोमीटर। 33.1 डिवाइड बाय 1.57, यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा एवरेज दिखा रही है 21 का। ऐसा कैसे हो सकता है? सच में 21 का एवरेज दिखा रही है, तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स हैं।
एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 33.1, हाँ 33.1 है, 1.57 पेट्रोल आया है। यार ये तो बहुत ही भयंकर एवरेज दे रही है, अपनी बाइक एवरेज दे रही है 21 kmpl का हाईवे पर, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर हाईवे गया था तो एवरेज अपनी बाइक का 21 निकल के आया, जो कि मेरे को ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था यार। मैं तो मतलब 10-11 सोच रहा था, सिंगल डिजिट में भी आ सकता था, लेकिन ये तो 21 दे रही है भाई, बहुत ज़्यादा सही एवरेज है यार, बहुत ही ज़्यादा सही। मतलब अगर अब मैं इसे हाईवे ले जाता हूँ तो ये मुझे बहुत ही प्यारा एवरेज दे रही है। दिक्कत इसके साथ आने वाली है बस ट्रैफिक में ये एवरेज कम दे रही है, क्योंकि अभी मैं कहीं ट्रैफिक में फंस के नहीं गया था, मैं पूरा हाईवे गया था। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी ट्रैफिक कंडीशन में भी माइलेज टेस्ट करके बताऊंगा कि कितनी दे रही है। वैसे जहां तक मेरा अंदाज़ा है ओवरऑल ये 11-12 का एवरेज दे रही है, इससे ऊपर ये एवरेज नहीं दे रही है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू।